नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजदोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सासू सासू चा स्वयंवर में। इस देश में राखी सावंत का स्वयंवर हमने देखा, राहुल महाजन का स्वयंवर देखा, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है कि एक सासू का भी स्वयंवर हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब भी सासू का स्वयंवर होगा, ऐसे में समझा जा सकता है कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी का तड़का होगा और उसमें होगा रोमांस का मसाला। तो कॉमेडी का मतलब ही होता है आपको मनोरंजन से भरपूर तरह से आपको प्रभावित करना और आपके ऊपर एक ऐसा असर छोड़ देना जिसको आप लंबे समय तक याद कर सकेंगे। और जाहिर सी बात है, इस तरह का जब भी कांड सामने आता है तो बहुत अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है दर्शकों के लिए। लेकिन इस बात की गारंटी हम कलाकारों से लेंगे कि दर्शकों के ऊपर क्या गुजरेगी जब सासू का स्वयंवर होगा। और इस चर्चे में हमारे साथ शामिल होंगे, इस फिल्म के मेन लीड में जो नजर आने वाले हैं वो हैं हमारे साथ पुष्कर जोग जी। पुष्कर जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मराठी अवतार में एक नए फ्लेवर के साथ अवतरित हो रहे हैं हमारे खास कलाकार, जो हास्य की दुनिया में लगातार दिलों पर राज करते हैं। आज अपना एक नया रूप आपके सामने पेश करने वाले हैं सुनील पाल जी, आपका बहुत स्वागत है। Hats off to you. जब भी हम स्वयंवर की बात करते हैं तो लड़कियों की चर्चा होती है, लड़कियों का जिक्र होता है, कल्पना में हम खो जाते हैं कि किसको भी हम पसंद कर सकते हैं। राहुल महाजन का भी हमने स्वयंवर देखा, राखी का भी देखा। सुनील पाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी कल्पना की थी कि सासू का भी स्वयंवर हो सकता है? जब ये सब्जेक्ट मेरे पास में आया और मुझे कहा गया कि सासू और स्वयंवर, तो ये मुझे ये टाइटल ही कमाल लगा। मुझे लगा यार ये तो कमाल है, सचमुच जैसा आपने सवाल किया वैसे मैंने भी सवाल किया, सासू और स्वयंवर ये कैसे हो सकता है? सास तो ऑलरेडी मैरिड होती है। बोले नहीं नहीं, उसका ये कहानी है, उसकी ऐसी कहानी है, उस टाइप का कॉमेडी ट्रैक है और उस फिल्म में धमाल ही धमाल, एक कॉमेडी सासू है, सास है जो, और उसकी उनकी फैमिली है, उनका दामाद है, उनकी बेटी है, वो पूरा जो है वो मामला है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो और फिर ये सासू सास स्वयंवर करने का जो आइडिया है वो फिल्म में मैं देता हूँ, तो ये मुझे मुझे लगा। तो बोले यार, मैं बोला इस तरह से, बोले मेन लीड आप ही हो, मतलब कैसे? बोले सासू का स्वयंवर का आइडिया आप ही देते हो। तो ये मुझे तो बहुत मज़ा आया फिल्म करते हुए, तो बड़ा बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में काम किया। मराठी के सारे टॉप के कॉमेडियन इस फिल्म में हैं, विशाखा सुबेदार है, विजय चौहान जी हैं, सतीश तारी जी जो मराठी के बहुत लेजेंडरी एक्टर थे, अब तो नहीं रहे लेकिन बहुत बड़ा नाम है उनका, हमारे जयवंत वाड़कर जी हैं, और तमाम कलाकार हैं बहुत है। और पुष्कर जो फिल्म के नायक है, तेजा जो फिल्म की नायिका है, इनका बड़ा 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 प्यारा सॉफ्ट रोमांटिक और थोड़ा सा हल्का सा हंसाने वाला गुदगुदाने वाला एक ट्रैक फिल्म में, तो आपको पूरी फैमिली का मनोरंजन इसमें मिलेगा। मुझे लगता है कि जो सास से परेशान है वो, और जो सास से परेशान होने वाले हैं वो, और जिनके सास जिनकी सांस चल रही है वो, वो सब इस फिल्म को देखे, जिसका नाम है सासू सा स्वयंवर। बिल्कुल, तो स्वयंवर का मतलब ही होता है अगर सासू जी शामिल होंगी तो कॉमेडी की बरसात जरूर होगी, लेकिन अगर हम हास्य की बात करते हैं तो सुनील पाल का नाम आता है, और शक्कर की बात करते हैं तो मिठास का ख्याल आता है। और ऐसे ही एक कलाकार है पुष्कर जोग, जो लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मकसद है जीवन का, फिल्मों का, उसका मतलब सिर्फ एक ही है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट। पुष्कर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा विषय है अपने आप में? जी, जैसे सुनील सर ने कहा, बहुत बढ़िया, क्योंकि सुनील जी फर्स्ट टाइम मराठी में काम कर रहे थे इतने बड़े पैमाने पर, और ग्रेट एक्टर्स थे फिल्म में, तो उनके साथ एक अगर मेरे जैसा एक्टर आए तो मुझे सीखने मिलता है, क्योंकि उनका टाइमिंग, कॉमेडी का टाइमिंग, उनका कॉमेडी का सेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो आई थिंक मुझे सीखने मिला। और इस फिल्म में जैसे हम अक्सर देखते हैं फिल्मों में या सीरियल्स में कि सास और बहू का एक अनोखा रिलेशन दिखाया जाता है, लेकिन इसमें सास और जमाई का रिलेशन दिखाया गया है, और वो भी एक टॉम एंड जेरी जैसे क्यूट रिलेशनशिप में दिखाया गया है। और इस बेचारे बंदे को की शादी होती है और इसको
अक्सर लोगों को दहेज में बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, पैसे मिलते हैं, बहुत सारे जेवरात मिलते हैं, लेकिन इसको एक डबल बैरल सांस मिली है दहेज में, और वो उसका जीना हराम कर देती है। वो तो पूरे पिक्चर में उसको मारती है, उसको अपना घर साफ करवाती है और अपनी बीवी को मिलने नहीं देती है। ऐसे उसने रूल्स बनाए कि मंडे को सिर्फ आप देख सकते हो, ट्यूसडे को हाथ लगा सकते हो, वेनसडे को एक गाल पे पप्पी दे सकते हो, थर्सडे को पिक्चर देख सकते हो, लेकिन बीच की सीट मेरी होगी। तो ये सब उसने उसका जीना आराम कर दिया है, वो परेशान हो गया बेचारा। इसलिए मेरे जो पिक्चर में फ्रेंड दिखाए हैं, जो अक्सर मुझे फ्लॉप आइडियाज देते रहते हैं, एक हिट आइडिया मुझे देते हैं कि भैया ये सास की तो हम लोग शादी कराएंगे, तो इतनी ब्यूटीफुल और हॉट सेक्सी सी अभी सास है, तो काफी कैंडिडेट्स रेडी हो जाएंगे। तो चार पांच लोग जब आते हैं तो क्या हो जाता है फिर, मेरा सुनील जी बोलते हैं कि यार फिर तो स्वयंवर बनता है। तो फिर हम लोग प्लान करते हैं फिल्म में कि स्वयंवर करेंगे सास का, और ये पूरा धमाल है, बहुत बहुत मजा आया। सुनीपाल जी, अगर हम रियल लाइफ की सासों की बात करें, तो अगर हम सीरियल के जरिए अगर समझने की कोशिश करें, तो बड़ी अजीब गरीब स्थिति हो जाती है। बहू को समझ में नहीं आता कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करें, लेकिन सास हमेशा से अपने तरह से आजमाने की कोशिश करती है। आप दोनों का जो अनुभव है, अगर सास को लेकर है, दोस्तों की सास हो सकती है, पड़ोस की सास हो सकती है, आप लोगों ने कभी कुछ अलग महसूस किया? क्योंकि इस फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया गया है बहुत ही अलग है, कल्पना से परे है। बिल्कुल, आमतौर पे हम लोग जब कॉमेडी करते हैं तो जो लोग देखने आते हैं, दर्शक देखने आते हैं, वो दो तरह के जोक ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो नेताओं के या तो सास के। नेताओं की जो भी उल्टी सीधी हरकतें वो बहुत लोगों को हंसाती है, और सास से परेशान होकर दामाद की कोई बात बताओ तो वो बड़े खुश होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, भले ये फिल्म मराठी है, 15 मई को कल रिलीज़ भी हो रही है, लेकिन ये मई में क्यों रिलीज़ हो रही है? क्योंकि जो सास से परेशान दामाद है उनको एक तरह से ये फिल्म आशीर्वाद है कि मई यानी मे गॉड ब्लेस यू, मैं आपकी रक्षा करें, और मई में ही मजदूर दिवस भी आता है, तो दामाद से बड़ा मजदूर कौन हो सकता है, और दामाद से बड़ा मजबूर कौन हो सकता है। सही कहा। मुझे लगता है कि लेबर पेन जो है, लेबर डे जो है, वो सब ये इस महीने में दामाद और परिश्रम करने वाले का ये महीना है। तो ये फिल्म आप देखोगे तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे सास या सास जैसी कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है तो उससे कैसे बाहर निकला जाए। सासू डे भी हो सकता है इस फिल्म के बाद। बिल्कुल, हमने 12 मार्च को ऑफिशियली अनाउंस किया था, जब बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फर्स्ट लुक लॉन्च किया था पिक्चर का। तो आइडिया हम सब एक्टर्स का था, सब हम एक्टर्स ने एक सजेशन दिया था डायरेक्टर को कि हम लोग अभी सब तरह के दिन होते हैं, अभी फ्रेंडशिप डे, टेडी बेयर डे, ये अजीबो गरीब डे निकाले जाते हैं, तो व्हाई नॉट सासू डे। तो फिल्म से काफ़ी मिलता जुलता था, तो चलो, तो हमने इंडस्ट्री की सारी सास बहुओं की जोड़ियों को बुलाया था, तो वह बहुत अनोखा फंक्शन रहा वो, और मज़ा आया। तो सासू डे 12 मार्च को होता है, हर साल में 12 मार्च को मनाएंगे सासू डे। तो ये बड़ी घटना है, और इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि सासू को भी आप कहीं ना कहीं से मान सम्मान दें, क्योंकि इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर हम इस फिल्म की डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ सासू, इस फिल्म के मसाले की बात करें, तो इस मसाले में आपने कुछ अपनी तरफ से क्या क्या डाला है, इसे बताइए। देखिए, डायरेक्टर ओमकार माने जो है, बड़ा यंग डायरेक्टर है, उसने ये स्क्रिप्ट जब मुझे सुनाई तो मुझे पहले ही बोल दिया कि ये रोल आप पर सूट करता है, और आप इस रोल में आपको पूरी आज़ादी है, आप जैसा चाहे इसको कर सकते हैं जी। तो और पुष्कर का मैं धन्यवाद करूंगा, पुष्कर ने मुझे कहा कि जितने भी सीन हम साथ में करेंगे, मैं मेरी अपनी रिस्ट्रिक्शन से, क्योंकि मैं कैरेक्टर में दामाद बना हूं, तो मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग या ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो उस सीन में जितना धमाल करना है वो आप कीजिए। तो ये दोनों लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे खुली छूट दी। तो बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट पे हुए हैं, राइटिंग में तो था ही पहले से, लेकिन डायरेक्टर ने और एक्टर और को आर्टिस्ट जब सपोर्ट करते हैं तो आपका काम और अच्छा आता है। तो मैं दोनों का और पूरी टीम का ही धन्यवाद करता हूँ कि बड़ा बेहतरीन, क्योंकि फुल फ्लैश कॉमेडी रोल ही फिल्म में मेरा उभर के आया है, और आई होप सबको पसंद आएगा। यानी कहानी की जो आत्मा थी, कहानी को आपने मूर्त रूप देने के लिए पुष्कर जी एक शरीर बताया कि आप इस शरीर में ढल जाओ, और जाहिर सी बात है कलाकार के लिए बहुत बड़ी
उपलब्धि होती है जब आज़ादी मिलती है, और आज़ादी जब भी होती है तो कहीं ना कहीं से कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है। अगर इस फिल्म की हम घटनाओं की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं घटी होंगी, आपको कोई ऐसी घटना याद आ रही जो हमेशा आप याद रखेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मेरे सुनील जी के साथ काफ़ी सीन्स है फिल्म में, क्योंकि हम लोग का फ्रेंडशिप देखा है फिल्म में, और हमारे सीन्स जब भी आते थे तो हम लोग रिहर्स करते थे, और मैं सुनील जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक इतना बड़ा एक्टर हिंदी का, अगर मैं बोलूँ कि सर एक बार रिहर्सल कर दे, तो हमेशा रिहर्सल्स के लिए रेडी होता था। ऐसा नहीं कि मैं यार मैं कॉमेडी का किंग हूँ तो मैं यार करता हूँ टेक में, जो होगा देखा जाए, ऐसा कभी नहीं किया मेरे साथ काफ़ी, क्योंकि मैं देखो मैं मराठी से आता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पहले नर्वस था मैं कि यार सुनील जी हिंदी के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं तो वो रिहर्सल्स करें। सुनील भाई को मराठी फिल्में बहुत मिलेंगी ऐसा मुझे लग रहा है, और आपको भी हिंदी फिल्में बहुत मिलेंगी। अरे बिल्कुल, आपका जो कॉकटेल हो रहा है उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। जी जी, मैं पुष्कर जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इज वेरी डाउन टू अर्थ, बट इनके टैलेंट को जितने लोगों ने इनके करीब से देखा है सारे ही लोग इनके टैलेंट के और साथ साथ इनके नेचर के दीवाने हैं। जितने लोगों ने इनके साथ में काम किया, शुरू से हिंदी फिल्म भी कर चुके हैं ये, EMI इनकी हिंदी फिल्म बड़ी हिट हुई थी, उसके बाद मराठी में बचपन से चाइल्ड आर्टिस्ट है ये, और सारे लोग इनके साथ में पहले डे से जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो सचिन जी हो, चाहे वो महेश कोठारे जी हो, चाहे वो संजू बाबा हो, सब लोग इनके इनसे रोज़ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कोई भी फंक्शन किया तो ये जब उनसे कहते हैं तो वो सब लोग अपना टाइम निकाल के आ जाते हैं। यही प्यार होता तो, है और हाँ, और इसलिए आते हैं क्योंकि बंदा नेचर वाइज तो अच्छा है, सेकंडली टैलेंटेड बहुत है। आप देखिए इन्होंने 2-3 डांस रियलिटी शो जीते हैं मराठी में, वेरी गुड जी, और डांस बहुत अच्छा, एक्टिंग बहुत अच्छी, गुड लुकिंग चॉकलेटी तो है ही, आप देख रहे हैं। यानी इंसान तो ये बंदे का जो मेरे ख्याल से सासुरवास जो है ये इस फिल्म से खत्म हो जाएगा। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक झलक और देखने की उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाला है इस फिल्म के प्रोमो में। एक दिवस हिचा फणा नाही ना ठेचला मी तर नावाचा मोहन देखले नाही। माझी बायको आणि नोकरी दोन्ही जाण्याची वेळ आली आहे बाजी। आयडिया या 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 बसा थांबा, इथे कुठे बसताय? माझ आहे ते तुमच्या सासूचं लग्न लावून टाका। मी अजिबात लग्न करणार नाही। ठरवून टाका स्वतःच्या। तुमची सासू साधी सुधी बाई नाही, साक्षात देवी आहे देवी। तो हो सकता है इस फिल्म के रिलीज के बाद बहुत सारे लोग कल्पना करने लगे, चाहत रखने लगे कि मुझे भी ऐसी सास मिले। सुनील भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? बिल्कुल, जो लोग सास से परेशान हैं मेरे ख्याल से 99% लोग परेशान हैं, जिसमें शायद आशुतोष भाई भी आ सकते होंगे। सबको इस फिल्म से आइडिया मिलेगी कि कैसे सास को, मैंने वो लाइन बड़ी अच्छी सुनी थी कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान ने माँ बनाई, और शैतान हर जगह नहीं पहुंच सकता इसलिए सासू माँ बनाई। क्या बात है सर। रियल लाइफ में आपने सासू के बारे में क्या सोचा है पुष्कर जी, क्योंकि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, आपने किस तरह की सासों को देखा है जीवन में? नहीं, मेरी हाल ही में शादी हुई है, 5 महीने हो गए। मेरी सासू माँ बहुत कूल है, सासू माँ से ज़्यादा वो फ्रेंड है, तो मेरे फिल्मी सासू माँ से कोई उनका नहीं है। लेकिन एक अच्छा मैसेज दिया है डायरेक्टर ने, कि जब उसने लिखी थी स्क्रिप्ट तो काफ़ी एक सोच में लिखी थी कि हर औरत जो उसको पति नहीं है, अगर वो एक्सीडेंट से मरा है या है नहीं और जिनका डिवोर्स हो गया है, तो ऐसे औरतों को अकेला
जीने का कोई ये नहीं है कि वो क्यों ना अपनी जिंदगी जिए, रास्ता नहीं होता उनके, हाँ उनको उनके लिए रास्ता नहीं होता, तो वो क्यों ना अपनी जिंदगी जिए, उनको दोबारा क्यों नहीं मौका मिले। तो ये सोच भी एक अच्छी है कि मेरी जो बीवी है फिल्म में तेजा, तो वो यही सोच के फिल्म में मेरी सासू माँ को पटाती है कि आप अकेले मत रहो, यू नो आप पूरी जिंदगी मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो आप कुछ जिंदगी में आप अपना एक साथीदार, अपना एक जोड़ीदार बनाओ, क्योंकि उनको भी जरूरत होती है। और एक जो जिनके पति नहीं होते, जिनको सपोर्ट नहीं होता, एक मेंटल सपोर्ट नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि यू नो वो अकेले ना रहे लाइफ में, क्योंकि आपको एक जोड़ीदार की जरूरत होती है। तो ये एक अच्छा मैसेज है और आई थिंक बहुत मजा आया। सब दिग्गज कलाकार हैं, सुनील जी, विशाखा जी, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। और मुझे चाहे मेरी सासू माँ ने बहुत मारा है पिक्चर में, फिर भी मैंने बहुत मजे लिए उसमें। और सुनील भाई, इस फिल्म में बहुत सारे किरदार होंगे, ऐसा कौन सा किरदार आपको लगा जो लगा कि वाकई इसको आप एंजॉय कर रहे हैं? जैसे बता चुका हूँ कि सतीश तारे अब तो नहीं है दुनिया में, इस फिल्म में है। तीन कंटेस्टेंट जो आते हैं स्वयंवर में, जिसमें जयवंत वाड़कर जी हैं और विजय मामा है, विजय गोखले जी और विजय चौहान जी। लेकिन जो सतीश तारे हैं उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, महाराष्ट्र के चार्ली चैप्लिन हैं, हर तरह से उनको नवाजा जाता था। तो ऐसे महाराष्ट्र के बहुत बड़े कलाकार के साथ इस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे सीखने मिला उनके, जिनके साथ में रहने का मौका मिला। और इत्तेफाक से वो देखिए वही उनकी आखिरी फिल्म थी, तो ये समझ लीजिए कि ये फिल्म मेरे लिए वैसे भी स्पेशल है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सपना था कि सतीश जी के साथ मैं काम करूं, और मैंने सतीश तारे के साथ में काम किया। और देखिए उनका सरनेम भी तारे था, मतलब यू नो स्टार नाम से ही आदमी स्टार था वो तो, और आज भी वो स्टार ही, कहीं ना कहीं तारे आसमान पे बोलते ना, तारे जमीन पे थे, अब आसमान पे है। और ये शो भी देख रहे होंगे, ये भी शो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की रिलीज के लिए उनकी आशीर्वाद, उनकी दुआएं सब चल रही होगी, भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और ये फिल्म उनको समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि लोग उनकी फिल्मों के जरिए उनको याद करें। 100% बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जो चले तो जाते हैं लेकिन उनके बाद भी उनकी चर्चा होती रहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जब भी हम दर्शकों की बात करते हैं सुनील भाई, तो आपने हर तरह के दर्शकों का मनोरंजन किया है। इस फिल्म के बारे में जो आपके दर्शक हैं, आपके जो फैंस हैं, उनको किस तरह से समझाएंगे कि इस फिल्म को देखें? बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि इसमें म्यूज़िक अच्छा है, कॉमेडी एकदम फैमिली कॉमेडी है, कोई वल्गर कॉमेडी नहीं जो आजकल बड़ी ज़्यादा तौर पे हर फिल्म में दिखाई देती है, ज़्यादातर फिल्मों में दिखाई देती है। और हर कैरेक्टर अपने कैरेक्टर में, कोई ज़बरदस्ती की हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है, और क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है कि आप उस कैरेक्टर को और कहानी के सीन को ही आप इतना इन्जॉय करेंगे कि आपको अलग से कुछ कॉमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो पूरी तरह से आप पता नहीं चलेगा कि आपके 2-2.5 घंटे कब खत्म हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आप पूरा पैसा वसूल फिल्म है और आप बहुत एंजॉय करेंगे फिल्म को। अगर सलमान खान और राहुल गांधी इस फिल्म को देखते हैं तो सास के बारे में क्या धारणा बनाएंगे वो? भाई सलमान खान साहब के बारे में तो यही कहूँगा कि उनके नसीब में कैद है ही नहीं, सलमान खान के नसीब में कैद है ही नहीं, अगर कैद उनके नसीब में होती तो अब तक उनकी शादी हो जाती। वाह वाह। उनके पास सास होती तो खैर, सास सलमान भाई आपका भले ना हो लेकिन सास की से का अगर आपको कहीं टेंशन सता है या सपने में भी आपकी सास आ जाए या परेशान करे, तो उससे बचने का तरीका भी आपके लिए सलमान भाई आप जरूर देखिएगा सासू सा स्वयंवर। और राहुल गांधी इंडिया में भले ना देखे, बैंकॉक में भी एक मराठी फिल्म थिएटर खुल गया है वहाँ मराठी, उसमें वो देख सकते हैं। बाकी जो बैचलर्स होते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप पुष्कर, क्योंकि सास बहुत ज़रूरी होती है? जी जी जी, नहीं बैचलर्स को यही कहूँगा कि 15 मई को हमारा मेरी सास का स्वयंवर, मतलब डरने की जरूरत है कि नहीं सास से? नहीं नहीं, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि स्वयंवर है, कैंडिडेट अभी स्वयंवर ओपन है, जो भी चाहे बैचलर 6-pack, 8-pack वाला या फैमिली पैक वाला, वो तुरंत मुझे और सुनील जी को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपने देखा ही होगा प्रोमो में मेरी सास कितनी हॉट और कितनी सेक्सी है। तो प्लीज़ आइए, और किसी को अभी अगर स्वयंवर में इंटरेस्ट है तो कैंडिडेट बनके मेरी सास को इम्प्रेस कीजिए, और क्या पता कि आप भी पूरी लाइफ ससुर बन जाए। हाँ मैंने देखा एक बेचारा आदमी मुझे बोलता कि जैसे मेरे लिए माँ है वैसे सासू माँ है। बोला कैसे? भाई देखो मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो सास का प्रॉब्लम तो है ही, सास
और एक तरह से ये द माँ भी है। वाह वाह। तो द माँ और सास का प्रॉब्लम दोनों एक साथ लेके चलता हूँ, मेरे लिए दोनों एक जैसी। और कोई घटना याद आ रही है आपको सुनील भाई? घटना तो मेरे ख्याल से यही है कि मराठी जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनके लिए कुछ मतलब मराठी फिल्मों में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मराठी में देखिए एक से बढ़कर एक गाने बने हैं। आपको पता है मनमोहन सिंह पर भी मराठी गाना बन चुका है। अरे बाप रे। जब वो प्रधानमंत्री थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मोदी जी तो अब मन की बात कर रहे हैं, वो मन की बात कर चुके हैं। उन मोदी अपना मनमोहन सिंह जी की हालत उस वक्त देश के किसानों जैसी थी, ना कहा जाता था ना सहा जाता था, बस ये समझ लीजिए कि पीएम की सीट गले पड़ गई थी उनके। तो उनमें और किसानों में बस यही अब ये फर्क है इन दिनों कि किसान फार्मर है और वो फार्मर है। बिल्कुल। तो मनमोहन सिंह के लिए मराठी गाना हमारी फिल्म मराठी इंडस्ट्री में 50 साल पहले बन ही गया था। मैसेज था कि तू सोनिया जी से जितना जल्दी हो सके अपनी जान छुड़ा ले। आकाशी जेप घेरे पाखरा तोड़ूनी सोनियाचा पिंजरा तोड़ूनी सोनियाचा पिंजरा। वो बातों के बाद में अब समझ में आई, तो फिर उन्होंने कहा जी ज्यादा नहीं बोलूंगा मैडम जी, तो क्या चाहते हो? एवरीडे संडे। एवरीडे संडे मतलब छुट्टी। और वहां से वो कांग्रेस से बेचारे उन्होंने अब आराम लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हर परेशान व्यक्ति के लिए जिनके ऊपर इस फिल्म का प्रमोशन अगर नरेंद्र मोदी करें, केजरीवाल साहब करें, तो हम चाहेंगे कि बाढ़ जरूर दिखाई। आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है? खांसी। और खांसी का मतलब होता है सांस, और सांस का मतलब होता है सांस के प्रॉब्लम, और सांस का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है आपके सामने एक मराठी फिल्म सासू ससुराल पर। जरूर देखिएगा जी, इस फिल्म में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वाह वाह। मोदी जी कहेंगे मित्रा मित्रा, लोग कहते हैं मित्रा कि हमने वादा किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद हम परिवर्तन लाएंगे। वाह। तो हम कर भी तो परिवर्तन ही रहा है। परी का वर्तन है उड़ना। वाह। और हम एवरीडे उड़ रहे हैं। क्या बात है। कभी जापान कभी चाइना। मित्रों केवल चाइना ही ऐसा था जहां मैं जाना नहीं चाहता था। वाह। क्योंकि चाय वाला बंदा हूं, चाय ना पसंद है, जहां चाय बंद हो जाए तो मुझे पसंद है। वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने हाल ही में उन पागल युवकों के लिए मैसेज दिया जो हिंसा में पागल होके बंदूक उठाते हैं। मित्रों कंधे पे बंदूक नहीं केवल हल होना चाहिए। और इतना बोलने के बाद उन्होंने अपने सिक्योरिटी से कहा ये मैसेज आपके लिए नहीं था, आपके कंधे पे बंदूक ही होना चाहिए। तो मित्रों इतने सारे प्रॉब्लम है, चाइना में भी जाके मुझे पता चला कि यहाँ के पुरुषों को भी चाइना चैन ना, इसलिए अगर आपको चैन चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए मित्रों, तो देश विदेश में नहीं भारत में आइए, और भारत में महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र के थिएटर में आइए मित्रों। आम स्वयंवर तो शादी के हॉल में होते हैं, ये स्वयंवर सिनेमा के हॉल में हो रहा है मित्रों। 15 मई को जरूर देखिए सासू नो स्वयंवर, सॉरी सासू सा स्वयंवर। अरे क्या वाकई। और जब भी सास ससुर की बात होती है तो सबसे जो अहम किरदार उभर कर आता है वो पत्नी होती है, क्योंकि पत्नी के सामने आप चाह कर भी शिकायत नहीं कर सकते, और दोस्तों के सामने जमकर शिकायत करते हैं। अगर रतन नूरा इस ससुराल में होते या फिर इस किरदार में होते कि उनको सासू से पंगा करना पड़ेगा, तो सुनील भाई आप बताइए उनके ऊपर क्या गुजरेगी? देखो सासू मतलब मदर इन लॉ, कानूनन हमको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मदर इन लॉ है। तो आई एम ऑलवेज इन लॉस बिकॉज ऑफ इन लॉस। वाह। तो भक्तजनों अगर इन लॉस की वजह से इन लॉस में हो तो जरूर देखिएगा सासू ससुर 15 मई यानी कल वे भक्तजनों।
वाह वाह वाह। पुष्कर आप अपने फैंस को क्या कहेंगे इस फिल्म को देखने के लिए? नहीं बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, इसका स्ट्रेस उसका स्ट्रेस करप्शन वो सब, गर्मी भी बढ़ गई बहुत, तो स्ट्रेस फ्री होना है अगर सिर्फ एंटरटेन होना है तो कल ये पिक्चर देखिए, बहुत फनी पिक्चर है, एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, और जैसे सर ने कहा ना कि वल्गर ह्यूमर नहीं है, इट्स वेरी सिचुएशनल ह्यूमर, और इतने बड़े बड़े कलाकार जब कॉमेडी करते हैं तो ऑफकोर्स वो एक माहौल सा बन जाता है, बहुत बहुत बढ़िया फनी फिल्म है। तो मैं सारे बैचलर्स को कहूँगा कि 15 मई को आइए, एक अपना अपना प्रिपरेशन करके आइए, और अगर मेरी सासू माँ को आप में से कोई अच्छा लगा तो वो चुन लेगी, और जस्ट एंजॉय एंड हैव फन, एंड प्लीज 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 वॉच सासू सास स्वयंवर। बिल्कुल, और हम भी शुभकामनाएं देंगे पुष्कर जी आपको, सुनील भाई आपको, कि आपने जिस मकसद से इस फिल्म में काम किया है उस मकसद तक आप जरूर पहुंचे और लगातार कामयाबी आप दोनों के कदम चूमती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो सास का जो मतलब होता है जीवन में, एक दामाद ही समझ सकता है और एक बहू ही समझ सकती है, लेकिन दर्शकों के रूप में अगर आप सास का मजा लेना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ है आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए। तो आप ज़रूर देखिए इस फिल्म को और हंसते रहिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ला 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 ला, तू है मेरी फैंटेसी।